हेलो वो ओवर के बाय हेलो क्या नाम है आपका? मनीषा। निशा कहाँ के रहने वाले हो? बवेके। आज पूरा परिवार आपका यहाँ आया हुआ है, क्या कहना चाहोगे? कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन चाचू का जो पत्थर का पेड़ था उन्होंने काटा, मतलब तो चाचू ने उनको सिर्फ यही बोला कि हमारा पेड़ आपने क्यों काटा, तो वो उस टाइम लाइट भी नहीं थी और 9:30 का टाइम था रात का, वो आ गए चोरी छिपे आए, उन्होंने मारा चाचू को। उनके हाथ में हथियार थे, एक था गदर्भ सिंह एक था बिशन सिंह, और उनका एक सिस्टर का लड़का था उसका नाम था अशोक, और उनकी सिस्टर भी दो पटवारी हैं, वो गंधर्व भी पटवारी है और जो बिशन है वो भी गए पटवारी है। एक सिस्टर भी थी उनकी, उसका नाम तारो है, वो भी आई थी, और जब मैंने देखा तो वो मार रहे थे, डंडों से मार रहे थे, एक डंगा है उधर ऊंचा सा उससे नीचे फेंक के सर पे उनको चोट आई थोड़ी सी, फिर वो हमारे उनके घर से घसीट के ले रहे थे, वो अपने घर पे ले रहे थे घसीट के ले रहे थे। तो क्या फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, हमने बोला कि हमारे चाचू को नहीं मारो, उन्होंने फिर मेरे पे मेरे को भी थप्पड़ मारने लगा, और मैं जब वीडियो बनाने लगी उनकी तो मेरा उन्होंने फ़ोन फेंक दिया, और ये वाली मेरी सिस्टर है ये उधर चाचू के ऊपर लेट गई थी, चाचू को मत मारो, और इसको भी लगी हैं चोटें थोड़ी सी, उनको मना किया जब कि चाचू को मत मारो, उन्होंने बोला को क्या हुई बात नहीं है, मर जाएगा तो क्या हुआ है, हम अपने घर पे ले जाएंगे हैं। इनका क्या नाम है, ये क्या लगते हैं आपके? मेरे चाचू लगते हैं ये। क्या नाम है इनका? बलवान सिंह। तो आप पुलिस स्टेशन नहीं गए? पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की, हम 20 दिन आज 20 दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। तो आज आप कहाँ आए हुए हैं? हम सुनील वर्मा जी के पास आए हैं, अगर इधर भी कुछ नहीं हुआ तो हम इनको लेके जम्मू जाएंगे, नहीं तो डीसी दफ्तर के बाहर बैठ के। हाँ, के नाम थोड़ा? मेरा नाम बलवान सिंह जी। बलवान जी की गल हुई, थोड़ी लत टूटी रही है? सर मेरे पत्र काटे थे उन्होंने, मैंने उनको ये बार बार बोलता था ये मेरे हमारे पत्र नहीं मत काटना, ऐसे हमारे को पूछ कर काटना फिर कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे को पहले दिन ही बार नहीं दी थी कि कोई बात नहीं तेरे को देखेंगे, तेरे को छोड़ेंगे नहीं हम। फिर हमने ये भी ठीक है, मैंने बोला चल कोई बात नहीं, मैं फिर भी पीछे हो गया। फिर उस दिन को बार नहीं दी थी, दूसरे दिन मेरे पास आए, वो सीधे के आगे डांगा और राड़ा तलवारां ले के आए, मेरे को कोई पता नहीं, मैं चाहे बैठा था तो मेरे को कोई पता नहीं लगा जिस वक्त मेरे को डांगा चलाई या राड़ की है या तलवार की है, ये मेरे को कुछ नहीं पता चला। हम चेयर के सामने नीचे पड़ा और चेयर भी हमारी टूटी हुई है, वो मेरे को कोई उसी वक्त हम बेहोश थे, मेरे को कोई पता नहीं चला भैया हम कहाँ थे। ये लोग थे बिशन सिंह, गदर्भ सिंह, शोक सिंह, तारो देवी। ये क्या काम करते हैं? ये जो पटवारी हैं दोनों, कौन कौन सा? बिशन सिंह और गदर्भ सिंह, ये पटवारी हैं। जो लड़का है इनका भांजा शोक सिंह, वो ट्रैक्टर चलाता है। नहीं, ये जो आपका पुलिस स्टेशन कहाँ पड़ता है? हमारा पुलिस स्टेशन पड़ता है मजालते में। तो वहाँ पे गए नहीं? हम गए थे उधर, हमारी कोई सुनाई नहीं की, उल्टा हमारे को दाड़ा मारा, जे तुम केस करा कर रहे हो, क्या कर रहे हो जी, कैसे कर रहे हो, अपनी सेहत नहीं जान रहे हो। डी आई जी साहब रियासी में थे तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा तो आप मुझे इनका जो फैक्ट है वो मुझे वो व्हाट्सएप पे भेज दो, मैंने भेज भी दिए, और उन्होंने कल बुलाया है तो कल मैं इनके पास जाऊँगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जिन लोगों ने हमला किया है उनको कानूनी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। ताकि क्या मानते हैं आपकी पिछले 20 दिन से ये लोग धक्के खा रहे हैं, पुलिस की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी बुरी तरह से? ये देखिए वो जो दूसरा कहा जा रहा है कि वो कोई अप्रोच वाले लोग हैं, पटवारी लोग हैं, वो जो दूसरी पार्टी है वो पैसे वाली है, वो अप्रोच वाली है, और ये बेचारे कमज़ोर आदमी हैं, दिहाड़ी लगाने वाले हैं। अब पिछले 15-20 दिनों से घर में इनकी जो हालत है, जो मेरे मोहल्ले जो साथ रहते हैं वो सुना रहे हैं कि खाने के लाले पड़ गए हैं। तो देखो ऐसी बात है कि गरीब ये पैसा होना कोई जो बात थोड़ी है कि कोई गरीब आदमी है तो उसे दबोच लिया जाएगा। एक तो उनके जैसे मैंने सुना कि वो पहले वृक्ष के जो पत्थर काटे, एक तो वो हमला किया, जब इन्होंने कोई उसके कोई ऐसी बात की नहीं, सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा नाराज़गी जाहिर की कि यार अगर काटने थे तो हमें पूछ के काट देते, एक इंसानियत तौर पे भी वो बात की, तो फिर वो गुंडागर्दी जहाँ तक है। अब देखो जी हमारा जम्मू कश्मीर अभी बिहार तो बना नहीं है,
कि जहाँ पर इस किस्म के हमले होंगे, ये कम से कम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर यहाँ भी आपका मसला ये हल नहीं, मैं देखिए ये जो लड़ाई है जो हमारे ऑफिस में मेरे साथियों के पास मेरे पास पहुँच चुकी है, और जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा हम पीछे हटने वाले नहीं। इसके बाद DIG साहब के पास मिलेंगे, कब जरूरत पड़ी तो जो हमारे DGP साहब हैं उनसे भी बात करेंगे, गवर्नर साहब से भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ, इस परिवार को इंसाफ दिलवाकर ही हम लोग रहेंगे।